खबरें जैसे भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक और शहर से लेके गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संजय लीला भंसाली की पद्मावती फिल्म के विरोध के बाद सेंसर बोर्ड द्वारा पद्मावत किए जाने के बाद फिल्म के कुछ सीन को हटा दिया गया है। बावजूद इसके इसका विरोध कम नहीं हो रहा है। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के सदस्यों ने इस फिल्म का विरोध कर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका और चेतावनी भी दी कि अगर फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में लगी तो उसे जला दिया जाएगा। संजय लीला भंसाली कृत पद्मावती फिल्म के भारी विरोध को देखते हुए सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज होने पर रोक लगा दी थी। बाद में फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाकर वह इसके नाम को पद्मावती की जगह पद्मावत कर 25 जनवरी को रिलीज होने की हरी झंडी दिखा दी। बावजूद इसके फिल्म का विरोध जारी है। आजमगढ़ में राजपूत कड़ी सेना के सदस्यों ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली का पुतला फूका और नाराबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया। राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के सदस्यों का आरोप है कि सती माता पद्मावती ने हिंदू संस्कृति की आन बान और शान के लिए जौहर किया था, लेकिन फिल्म के माध्यम से हिंदुत्व को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। इसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही कड़ी सेना के सदस्यों ने चेतावनी भी दी कि अगर फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल को आग लगा देंगे। ये पद्मावत जो फिल्म बना रहे हैं, इसमें जो है जो देश का आक्रांता था देश के लिए, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, जो माँ पद्मिनी हमारे यहाँ की राजघराने की रानी थी, देवी थी हमारी, उसके प्रति जो है अपमानजनक इसमें दिखाया गया है। और उस फिल्म में उसको जो है उनके साथ प्रणय दिखाया जा रहा है, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।